गाइस, आपको मैं JKUT7 के माध्यम से एक ब्लॉक आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये देखिए, ये है सर्दियों में यहाँ का चूल्हा। और जिस चूल्हे पे जब सर्दी आती है तो ऐसे ही मिट्टी का चूल्हा बना होता है, और चूल्हे में जो आग जब होती है, जब ये चूल्हा पहाड़ी एरिया के अंदर गर्म होता है, तो गर्म होने के बावजूद पूरे मकान को, मतलब जो अंदर गर्मी जो है वो महसूस होती है। अब देखिए, अब आपको ये कढ़ाई जो है, इस कढ़ाई में देसी आलू जो हैं ये बन रहे हैं। ये देसी आलू जो हैं, अब ये मीठे मीठे आग से जब पकेंगे तो क्या मज़ा आता है इनको खाने में, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। कि ये देखिए, देसी आलू जो हैं ये कढ़ाई में बन रहे हैं और मीठी मीठी आग पे। ये है पहाड़ी सिस्टम के, पहाड़ी एरिया में कैसे आलू जो हैं वो बनाए जाते हैं। ये देखिए, ये पहाड़ी से, ये देखिए यहाँ पे इनको अब रेड़ा लगा रहे हैं। ये देखिए, ये देसी आलू की सूखी सब्ज़ी होती है, और इतना टेस्ट इस सब्ज़ी में होता है कि मज़ा आता है इनमें खाने में। बस इन पहाड़ियों के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं कि मज़ा ही आता है इनमें खाने में। ये मैं JKUT7 के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ कि अब ये थाली में आ गए। वाह, क्या बात है, इतना नज़ारा, इतना टेस्ट बना है। तो आज ये आलू जो हैं ये मैं ना चावल के साथ खाऊंगा, ना इस आलू को मैं फुलके के साथ खाऊंगा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये देखिए, ये हमारे, आप पहचान लेंगे कि क्या चीज़ है। देसी आलू के साथ अब ये जो बंद हैं आलू, देसी आलू के साथ ये बंद इतना मज़ा आएगा खाने में कि हद से ज़्यादा। अब ये बंद जो हैं बच्चे खाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये सब्ज़ी है, आलू हैं, और अब इन आलूओं के साथ ये बंद जो हैं खाएंगे हम। मेरे दोस्तों, इसमें इतना मज़ा आएगा कि देसी आलू के साथ बंद खाना बहुत एक अलग ही टेस्ट है बनाकर। ये ज़्यादातर जो पहाड़ी एरिया हैं, आलू जब आप बनाओगे तो उनको फ्राई करना खाली तेल में, तेल में जब फ्राई करोगे, पानी इसमें डालना नहीं। जब पानी डालोगे तो टेस्ट जो है ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, ये मैंने अब बंद में आलू लपेटा, और आलू लपेट कर अब मैं इसको खाऊंगा। तो देखते हैं, ये चीज़ जो है आज तक किसी चैनल पे नहीं दिखाई होगी। वाह, क्या बात है। तो इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मैं